जज्बात से खेल रही हो गुल, एक तरफ मुझे मोहब्बत का यकीन दिलाती हो, दूसरी तरफ वफाक से वादे करती हो। आखिर चाहती क्या? नाश्ता बना दूं? तुमने कहा था ना देर से नाश्ता करोगे, तो अब बना दूं? जी भाभी, थोड़ी देर में। तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं ठीक। लगता है रात भर सोए नहीं। देखो नौफल, क्यों खुद पे जबर कर रहे हो? ये हकीकत मान लो कि गुल ऐसा नहीं कर सकती, मत अपना रिश्ता खराब करो। ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये मैसेजेस देखे। हाँ, लेकिन इससे कहाँ प्रूव हो रहा है कि गुल तुमसे बेवफाई कर रही है? ऐसे मैसेज तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है भाभी। ऐसे मैसेजेस जब पहले भी उसे आते थे, तब भी वो मुझसे छुपाती थी। उस दिन मैंने उसे आफाक से फोन पर बात करते सुना है। वो हमारे घर के बाहर आया हुआ था उससे मिलने। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए? मेरी खामोशी को ना मेरी बुजुर्गी ना समझो। आइंदा मेरे मामलात में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जितना मिल गया है उस पर सब्र और शुक्र करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत, आज तक किसी ने कभी मुझे टेढ़ी आंख से ना देखा और तुमने मुझे टॉर्चर किया, वो भी सर्वेंट्स के सामने। हेलो बेटा, हाउ आर यू? हेलो अंकल। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, आवाज क्यों ऐसी हो रही है? वो कुछ नहीं, एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी लोनली अंकल। क्या हुआ बेटा, फिर शाजिया ने कुछ कह दिया क्या? वो तो कुछ ना कुछ कहती ही रहती है, लेकिन अब उन्होंने जिब्रान को भी भड़काना शुरू कर दिया है। दोनों मिलके मेरी इंसल्ट करते हैं। ये औरत सुधरने वाली नहीं। मैं हर हिसाब से ऐसा ना कहती, पर आप जानते हैं कल जिब्रान ने हद ही कर दी ना। मतलब सर्वेंट्स के सामने उसने मुझे टॉर्चर किया। और आंटी, आंटी उसे और शह दे रही थी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम बेटा? यानी जिब्रान ने तुम पर टॉर्चर किया? उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई? मैं तो सिर्फ जिब्रान को कुछ समझा रही थी, लेकिन आंटी ने उसे गुस्सा दिला दिया किसी बात पे और उसने मुलाजिमों के सामने मुझ पे हाथ उठा लिया। ओह गॉश। परीक्षा, मैं तुमको साफ साफ एक बात समझा रहा हूँ बेटा, अगर वो आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करे ना, तो तुमने फौरन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करनी है, समझी? बल्कि मेरा तो ये मशवरा है कि छोड़ो सब चीजों को, यहाँ आ जाओ मेरे पास। नहीं अंकल, आप तो जानते हैं ना मैंने यहाँ कितने ऑर्डर्स लिए हुए हैं, मैं उन्हें छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? आखिर कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। मुझे भी तुम्हारे अलावा किसी की भी परवाह नहीं है। अब नहीं नहीं, मैं कुछ मैनेज कर लूंगी यहाँ पे, डोंट वरी। आई एम सो सॉरी कि मैंने आपको कॉल करके इस तरह परेशान किया, पर आप तो जानते ना कि मैं डैड से कोई भी बात नहीं कर सकती। ठीक है, तुम थोड़े दिन इंतजार करो, मैं फिर वापस आ जाता हूँ और इन माँ बेटों को देख लेते हैं। ये मधुरा छोड़ के मैं कैसे जा सकती हूँ? अभी तो इन लोगों से बहुत सारा हिसाब बराबर करना है।